तुम दोनों एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है क्या? अरे यार पापा कैसे बातें कर रहे हो, स्कूल जाने वाले बच्चों के थोड़ी ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कुछ भी पूछते रहते हैं। आजकल तो सबके होते हैं, तो तुम्हारे भी होंगे। इसी बात का तो दुख है, सबके होते हैं। क्या मतलब? अरे पापा आपने अपने लड़के की शक्ल देखी है? देखना इसकी शक्ल, झिंगुर सा तो ये लड़का है, लप्पू सा रौनक, कौन बनेगा इसकी गर्लफ्रेंड है? देखना इसकी शक्ल, शक्ल देखो, शक्ल देखो। पापा आपने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी क्या? देखना छिपकली सी है, इतनी मोटी नाक है, कौन करेगा इससे सेटिंग? छिपकली की नाक कब देख ली तूने? अच्छा अपने मोबाइल चेक कराओ मुझे। फोन? पापा आपको अपनी औलाद पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये व्हाट्सएप का पासवर्ड क्या है? 2456। ये लड़का कौन है? अरे पापा ये तो मेरे ट्यूशन के सर है, मैथ्स पढ़ाते हैं हमें। ये लफंडर सा सर है क्या? ये सर है इनका? हाँ ये इसका सर है। अगर कैसे कैसे लफंडर सर बने हुए आजकल। ये हैंडसम से लड़का कौन है? ये जरूर तेरा बॉयफ्रेंड होगा। अब तो तू गई। अरे पापा लड़का थोड़ी ना है, तो लड़की है मेरी फ्रेंड शिवानी। लड़की है ये? इसके दाढ़ी मूछ क्यों है? पापा वो बेचारी को ना कई दिन हो गए पार्लर गए हुए, दाढ़ी मूछ आ गई और उसने बाल भी छोटे करवा रखे लड़कों जैसे। लड़की है शिवानी? तेरा पासवर्ड क्या है? 99 99 99। पॉटी जाना है क्या? पॉटी लग रही है क्या? ढंग से बोल। 9911। ये लड़की कौन है? अरे पापा ये तो मेरी मुंह बोली बहन है, क्लास में पढ़ती है। मुंह बोली बहन है? शक्ल तो छुपा रही है। पता नहीं पापा, हो सकता है मेकअप नहीं किया होगा। बहन इसकी है? सिस्टर। बेटा घर में बहन है, बाहर भी बहने बना सकते। लव लव नाम से सेव कर रखा तूने गर्लफ्रेंड का नंबर है ना? अरे पापा ये लव लव मेरा दोस्त है, लव कुछ नाम है उसका, मैं उसे लव बुलाता हूँ प्यार से। ये लड़का है? नहीं पापा ये लड़का है, इसने ना अपने बाल लंबे किए हुए हैं और ना क्लीन शेव रहता है। क्या जमाना आ गया यार, लड़की लड़कों की तरह दिख रही है, लड़का लड़की की तरह दिख रहा है। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, देखना जरा सिस्टम है आजकल के बच्चों का। ये ले। हद है यार। क्या अभी मेरे बच्चों पे यूं ही शक करते रहते हैं? बोला ना उन्होंने कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है उनका, और होगा भी कैसे, गए आप पे हैं छोटी शक्ल के, मेरे पे जाते तो सुंदर होते। और क्या पापा आप बिना सारे टाइम बस यही बातें करते रहते हो, हमेशा शक करते रहते हो। अच्छा पहले काम कर रही थी, काम भी नहीं करने देते, जा रही हूँ मैं। पापा देखो बात आपकी बिल्कुल गलत है, डिटेक्टिव थोड़ी हो आप, शक करे रहते हो, मैं भी जा रहा हूँ। कर दिया ना मेरे बच्चों को नाराज। बच्चों को भी मैं बनाऊं, इनको भी मैं बनाऊं, काटो सब्जियां। मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बताओ। अच्छा अच्छा किससे बात कर रही है, किससे बात कर रही है? अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है ना? पापा मीनू मासी से बात कर रही हूँ, लो आप ही कर लो, हनी तो किसी से बात ही नहीं करने देते हैं। हेलो, अच्छा साली साहब कैसी हो? अरे बहुत दिनों से तुमसे बात भी नहीं हुई, अरे आ जाओ ना किसी दिन। आज तो पकड़ी गई। अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है ना? ना दिखा दिखा मुझे दिखा। लो देख लो पापा देख लो, शिवानी से बात कर रही हूँ। बहाने तो जब देखो शक करते रहते, एक काम करो आप भी यहीं बैठ जाओ, साथ में बैठ के चैट कर लेते हैं। हाँ ठीक है। पापा फोन दो मेरा, मम्मी देख ना। क्या हुआ, क्यों पीछे पड़े रहते हो इसके? इसने बोला ना इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरी बेटी के पीछे पड़े रहोगे जब देखो। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, मेरे भी पीछे लगे रहते हैं, जहाँ भी फोन पे बात करता देखो वहीं कान लगा के सुनते हैं, पढ़ने भी नहीं देते पापा। मना कर दिया ना दोनों ने, जब कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है इनका, पीछे मत पड़ो इनके।
चलो ठीक है भैया, माफ कर दो, है गलती हो गई, बेकार वैसा कर रहा था अपने बच्चों पे। यार मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे हैं मेरे, कोई बॉयफ्रेंड कोई गर्लफ्रेंड नहीं इनके। लगे रहो बेटा लगे रहो, ठीक। जा तू। हाँ बेबी, मैं ना अभी नहीं मिलने आ सकती, मैं ना आपसे शाम को मिलूंगी। वो क्या है ना, मेरे पापा है ना कुछ ज्यादा ही जासूसी करने लग गए, उनको ना पूरा पूरा शक है हमारे ऊपर, तो मैं फंस ना जाऊं इसलिए मैं शाम को ही मिलने आऊंगी। हेलो हेलो बेबी, आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ बैठे हो आप? हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, बैठा है ये, आवाज ही नहीं आ रही, शायद मेरे ही नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, बाहर जाके करती हूँ। क्या हो गया आप तीनों इतना गुस्से में क्यों बैठे हुए हो? बहन जो तू अंदर बात कर रही थी ना, वो सारी आवाज स्पीकर से आ रही थी। हेलो, अभी नहीं मिलने आ सकती, मैं ना आपसे शाम को मिलूंगी। वो क्या है ना, मेरे पापा है ना कुछ ज्यादा ही जासूसी करने लग गए। तेरा खड़ूस बाप? अरे टेंशन मत ले, उसको ना पता लगने दूंगा मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, कहाँ बैठे हो आप? अरे बोल तो रहा हूँ शाम को मिलते हैं। हेलो बैन स्पीकर। बॉयफ्रेंड नहीं है तेरा, तुझे बता रहा हूँ मम्मी। आप रुको, मैं बताती हूँ उसको तो। नहीं मम्मी, अब मम्मी क्या कर रही है? पापा को बेवकूफ समझ रखा है। तू क्यों हंस रहा है? अरे पापा मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तू क्यों हंस रहा है? तेरी भी गर्लफ्रेंड होगी ना। पापा ये तो पिटती है हर बार, मुझे भी पिटवा देती है। पापा छोड़ दो। रौनक कहाँ गया ये? ये देखो, कान में लीड डाल के बैठा हुआ है, तभी मेरी आवाज नहीं सुनता है। बताता हूँ उसको मैं, इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ तुझे, सुनाई कैसे देगा? कानों में लीड जो डाल रखी है, हजार बार बोला था ये लीड कानों में मत डाले कर, इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहरा हो जाएगा, लड़की कौन देगा तुझे? पापा जी गलती हो गई, सॉरी, आगे से नहीं होगी। सॉरी वाली क्या, ये लीड आगे से तेरे कानों में दिख ना जाए मुझे, वरना तेरे फोन वोन सब बंद। नहीं पापा जी, सॉरी सॉरी। तू और तेरा भाई हजार बार बोल दिया ये कानों में मत लगाए करो, कान खराब हो जाएंगे। अरे कान खराब हो गए तेरे तो कौन लड़का तुझसे शादी करेगा? ये लास्ट वार्निंग है तेरे लिए, नहीं तो बाहर फेंक दूंगा इसको मैं। नहीं नहीं पापा, ठीक है अगली बार से नहीं लगाऊंगी पक्का। बच गए आज तो, नहीं तो मेरे इतने महंगे हेडफोन नीचे जाते। पापा के मना करने के बाद भी कानों में लीड लगा रखी है। तो पापा आपको पता है वो रौनक है ना, आपके मना करने के बाद भी ना कानों में लीड लगा के बैठा हुआ, मैं इतनी देर से आवाज लगा रही सुनी नहीं रहा। अच्छा चल मेरे साथ, बताता हूँ मैं उसको। बार बार बोला तेरे को मैंने ये लीड कानों में मत डाले कर, मत डाले कर, मत डाले कर, समझ में नहीं आता ना, ये ले देख, ले सुन ले गीत, सुन ले बना ले रीत, ये ले। तेरे को ये लीड समेत घर से बाहर फेंक दूंगा, आया मजा, आया मजा। अच्छा इसने बताया, इसको तो ना मैं छोड़ूंगा नहीं, हर बार मुझे फंसा देती है, लेकिन इस बार देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा।
पापा पापा आपको पता है नैन्सी ना पूरी रात से गाने सुन रही है हेडफोन लगा के। अच्छा पता माँ जी सटकली, चल बताता हूँ उसको मैं। ये तू कान में हेडफोन लगा के रात भर गाने सुनती रही ना, कितनी बार मना कर दिया तुझे और तेरे भाई को, तो सुनते नहीं हो समझते नहीं हो। ये मैंने कब लगाए? गाने सुन रही थी ना पूरी रात। पापा 6 मैं गाने थोड़ी ना सुन रही थी, वो क्या है ना आपने कहा था ना कि सुबह 6 बजे उठना है, देखो 6 भी बजने वाले, तो मैं इसलिए लगा के सो रही थी ताकि मुझे अलार्म सुन जाए। वो फोन दूर होता है ना, कई बार अलार्म नहीं सुन पाता तो मैं उठ नहीं पाती सुबह जल्दी। देखो मैंने अलार्म भी भरा हुआ 6 बजे का। पापा झूठ बोल रही है। बड़ी समझदार है मेरी लड़की, इंटेलिजेंट। और एक ये नारद मुनि साहब हमेशा अपनी बहन की चुगली करता रहता है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। रात को आज मैं बताऊं कैसी बोरिंग सी जिंदगी हो गई है, और नहीं तो इस उम्र में तो डेट पे जाना चाहिए मेरे को लड़कों के साथ, और ऐसे घर में पड़ी रहती हूँ बस। घर में क्या, ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन से घर, घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, स्कूल ट्यूशन घर, ट्यूशन स्कूल, स्कूल। ओए तू डेट में जाएगी? मजाक कर रही, कैसे ही बोल रही थी बस। यार तू क्या है यार, बोरिंग था। चल ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, घूम फिर के आते हैं, पिज्जा मोमोज और कोल्ड कॉफी पी के आएंगे। अच्छा महारानी तुझे क्या लगता है हमारे मम्मी पापा हमें जाने देंगे? मम्मी तो हमारी भोली सी है, सीधी सादी, मम्मी तो मान जाएगी। पापा को भी मिलकर मना लेंगे। कैसे? उनको दोनों को बोल देंगे कि हम ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रहे हैं शीला के घर पे, पढ़ाई के लिए तो मना भी नहीं करेंगे। हर बार तू तो फंसती है, मुझे भी अपने साथ लेके डूबती है, अगर फंस गए तो? अरे नहीं फंसेंगे ना, तू पहले ही प्लान पे पानी फेर देता। हाँ नहीं तो अपने पे भरोसा रखना। चल ना तू डरा मत कर इतना, मैं हूं ना तेरे साथ। चल चल ठीक है। पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे भी पापा से ले लेंगे ना, पापा दे देंगे। चल 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 चल। मम्मी वो हम लोग ना शीला के घर पे जा रहे हैं ग्रुप स्टडी के लिए, वो क्या है ना उसको पढ़ाने के लिए सर आते हैं बाहर से ना एक्स्ट्रा क्लास के लिए, तो हम लोग सोच रहे थे कि हम भी उसी के साथ बैठ के पढ़ लेते हैं और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी हो जाएगी हमारी फ्री में। वाह वाह बच्चो वाह, क्या हुआ तुम्हारी शक्ल अपने बाप पे गई है, दिमाग तो अपनी माँ पे गया है ना, शाबाश, जाओ जाओ तेजी से जाओ। ठीक है मम्मी जा रहे हम, बाय। पापा वो ना हम ग्रुप स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ। ग्रुप स्टडी इस समय किसके यहाँ? शीला, शीला के घर जा रहे हैं। हाँ पापा शीला के घर जा रहे हैं। अब तो बेटा दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस समय कौन सी ग्रुप स्टडी होती है? पापा वो क्या है ना कि उसके घर जा रहे हैं हम, उसके ट्यूशन टीचर जो आ रहे हैं ना उनसे पढ़ लेंगे हम, और सिलेबस बहुत सारा बचा हुआ है ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए अभी जा रहे हैं, शाम तक पढ़ते रहेंगे। जाए पापा। चलो ठीक है बेटा जाओ, देखो शाम को जल्दी घर आ जाना और हम खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक है पापा, कुछ पैसे भी दे दो ना पापा जी। पैसे भी चाहिए? हाँ पापा पैसे तो चाहिए, रिक्शा में जाएंगे पैदल थोड़ी ना जाएंगे, और जूस भी पी लेंगे रास्ते में। आज तो 500 रुपए मिलने वाले हैं, मौज हो गई। ये ले बेटा 50 दे रहे, 50 नहीं चाहिए। 50 रुपए दे दिए पापा ने। चल पागल, मैं तो सोच रही थी 500 मिलेंगे। बहुत है 10 की रिक्शा 40 का जूस, चलो। अंकल वो हमारी ऊपर वाली छत पे ना मधुमक्खी का छत्ता लग गया, तो मेरे पापा ना सीढ़ी मंगा रहे हैं, तो आप सीढ़ी दे दो। हाँ हाँ बेटा तू ले जा सीढ़ी ले जा। ये रौनक और नैन्सी तो बोलो शीला के घर गए थे ना ग्रुप स्टडीज के लिए, और शीला यहाँ क्या कर रही है? रुक 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 बेटा रुक। जी अंकल। बेटे इधर 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 आई बैठ जा। पापा का फोन। हेलो। हाँ बेटा कहाँ पर है?
हाँ हम तो शीला के साथ ही बैठे हुए हैं ग्रुप स्टडी के लिए। अच्छा शीला के साथ बैठ के पढ़ रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा जल्दी आओ घर। अच्छा ठीक है आ रहे हैं। अंकल आपके दोनों बच्चों ने आपका पागल बना दिया है? आने दो घर से इनको, पागल होना तो इन्हीं को मैं। मजा ही आ गया, तुम दोनों को क्या मार पड़ी, और मत करके लाओ अपना होमवर्क। यार मैंने तेरे को बताया तो था मैं करने वाली थी, भूल गई मैं करना, एकदम इनी बॉक्स से निकल गया। ये गिफ्ट है, चल दे। वाओ यार ये कितना प्यारा है, किसका डॉगी है ये? कितना कमजोर है यार, शायद इसको किसी ने खाना भी नहीं दिया। हाँ बहन कितना प्यारा डॉगी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यार, इसको अपने घर ले चलते हैं ना, ऐसे बाहर रहा तो दूसरे कुत्ते इसको काट लेंगे। नहीं यार तुम ही लेकर जाओ, मैं नहीं लेकर जा सकती, तुम्हें पता तो है मेरे घर में बिल्ली के बच्चे हैं, अगर उसने इसको खा लिया तो, या इसने उसको खा लिया। और बहन हम भी नहीं ले जा सकते, तुझे पता तो है पापा को डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। सही कह रहे थे, मेरे कपड़े भी इतने गंदे हो गए, पापा देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। नहीं तुम ही लेकर जाओ इसको घर अपने, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। चल भाई इसको घर ले चलते हैं हम भी। चल बहन देख लेंगे जो होएगा। ठीक है बहन चल। ये बाहर का आवारा कुत्ता तुम घर के अंदर क्यों ला रहे हो? वो पापा ये ना बाहर घूम रहा था, इसी कोई माँ भी नहीं है, अगर ऐसे छोड़ दिया तो इसको कोई कुत्ता काट लेगा। अरे नहीं बेटा इसको बाहर छोड़ के आओ चलो। पापा प्लीज रखने दो ना मेरे डॉगी। अरे नहीं नहीं बेटा ये बाहर के कुत्ते होते हैं, इनमें बीमारियां होती है, गंदगी होती है, बहुत बीमारी फैलाएगा इसको, चलो जाओ बाहर छोड़ के आओ इसको। पापा प्लीज। अरे एक बार बोल दिया ना इसको बाहर छोड़ के आओ। अरे तुम इसको ले जा रहे नहीं ले जा रहे बाहर, ये तो तुम भी इसके साथ जाओ बाहर इस कुत्ते के साथ। यार भाई मैं तो इसको नहीं बाहर छोड़ सकती, इसको कुछ हो गया तो। देखना बहन कितना इनोसेंट पप्पी है। ओए एक काम करते हैं ना, इसको छुपा के रख लेते हैं, पापा को पता ही नहीं चलने देंगे। बहन तो एक काम कर इसको ना अपने बैग में डाल ले, और फिर घर के अंदर जाके हम इसको अलमारी में सेट कर देंगे। इसको ना अलमारी में नहीं, हम लोग ना बाहर ही रख लेंगे कपड़े के नीचे छुपा के, अलमारी तो पापा खोलते रहते हैं ना। हाँ बहन सही बोल रही है। खोलो पैन खोल दो। चोर तो नहीं आ गए घर में? चोर वो देखते हैं। इसके दांत देखे थे क्या छोटे छोटे से, खा लेगा ना ये। तुम लड़कों को ना कुछ भी नहीं पता होता। चुप मैं खिला रहा। अच्छा पापा, मम्मी,
सॉरी हमने इसको छुपा के रखा, पर इसको बाहर कैसे रखते हम? कोई दूसरे कुत्ते इसको काट लेते तो बेचारा भूखा मर जाता। मम्मी एक बार इसकी मासूम शक्ल तो देखो मम्मी। देखो मम्मी कितना इनोसेंट है। मम्मी प्लीज इसको रखने दो ना, पापा को समझा दो। पापा प्लीज इसको रखने दो ना, बेचारा कहाँ जाएगा रात को। ऐसा करो इसको अभी छोड़ के आओ बाहर। बच्चे सही कह रहे हैं, इसको रख लेते हैं ना। गंदगी फैलाएगा सब, उल्टा सीधा करेगा इधर। मुझे नहीं पता, रख लो बस आप इसे, बेचारा कहाँ जाएगा इतनी रात को। प्लीज प्लीज पापा प्लीज। प्लीज पापा रखने दो ना, मैं आपके डेली पैर दबाऊंगा। प्लीज पापा। चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, इसकी पॉटी सुसु तुम दोनों साफ करोगे। रौनक कर देगा। नहीं नैन्सी करेगी। ठीक है कर लेंगे एक दिन या एक दिन में। हाँ ठीक है पापा, अब रख ले इसको। हाँ ठीक है। देखो मम्मी देखो। बस बस इसको खाना खिलाओ जल्दी और सो जाओ, स्कूल भी जाना है कल। ठीक है ठीक है। इसका नाम रखेंगे शिष्टा। यस शिष्टा, चीच्टा इन द हाउस। सरिता सरिता एक कप चाय बना देना। खाना खाने के बाद मेज तो पोछते करो यार, कितनी गंदी हो रही है ये। अरे यार 9 बज गए यार, खाना नहीं बना क्या अभी तक? 9 बज जाते घर में खाना नहीं बनता यार। अरे हाँ हाँ बन गया खाना। सरिता पंखा चला देना जरा। अरे तौलिया दे दो जरा, इतनी देर लगाती है यार तुम। सरिता अरे मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं कर रही यार? ऑफिस में लेट हो रहा हूँ जाने के लिए मैं। अरे यार चप्पल कहाँ है मेरी? सरिता यार ये पापा मम्मी को कुछ ज्यादा ही तंग नहीं करते है? ये कर दे वो कर दे, ये कर दे वो कर दे, रेल बना रखी है मम्मी की। हाँ बहन तू एकदम ना सही बोल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे पापा को समझ आए कि मम्मी को कितना परेशान करते है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया बहन? देखना तू। मम्मी मम्मी इधर आना। जल्दी बोलो क्या बात है, मेरे को काम करना है। अब सुनो तो सही, मम्मी आपको नहीं लगता कि पापा आपको कुछ ज्यादा ही परेशान करते रहते हैं? हाँ मम्मी हर टाइम आपके ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हैं। हाँ सोचते हैं कि उन्हीं के रूल चलेंगे। अब बेटा जो भी है काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, है तो तुम्हारा बाप ही। अरे मम्मी हमारे पास एक प्लान है ना, आप ना बीमार होने की एक्टिंग कर लो और फिर पापा को मजबूरन सारा काम करना पड़ेगा, और एक बार जब पापा पूरे घर का पूरे दिन काम करेंगे ना तब उन्हें समझ आ जाएगा कि आपको कितना परेशान करते थे वो। पर एक बात बता, वो मेरे को हाथ लगाएंगे अगर पता चल गया मेरे को फीवर नहीं है तो? अरे मम्मी आप भी इस छोटी सी बात की टेंशन ले रहे हो। अरे मम्मी आपके दोनों बच्चे ना धुलंधर है एक नंबर के, हर चीज का जुगाड़ है उनके पास। कैसे? ये देखो मम्मी ये है प्याज, बड़े कमाल की चीज है। अब इस प्याज को ना जब आप अपनी अंडरआर्म्स के अंदर मतलब अपनी काख के अंदर ऐसे रख लेते हो ना दबोच के, तो इससे ना आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे ही पापा आएंगे ना और आपकी बॉडी को टच करके देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपको तो सच में बुखार हो रखा है। है ना कमाल की चीज। अच्छा हफ्ते में 2-2 दिन तुम बीमार होके स्कूल की छुट्टी करते हो, वो इसी का खेल है? मैं भी सोचूं बच्चे इतनी जल्दी बीमार कैसे हो जाते हैं। तुम्हें तो मम्मी आप पापा के चलाए हुए ऑर्डर्स पर ध्यान दो। हाँ मम्मी हमारी बातें तो होती रहेंगी बाद में, अब पापा के बारे में सोचो ना, कितने रूल चलाते हैं अपने, सोचते हैं कि बस उन्हीं के रूल चलेंगे, कितना परेशान करते हैं आपको, सोचो सोचो। मम्मी पापा आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। सो जाओ आराम करो। चल चलते शाम तक मम्मी के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सरिता
अरे लेटी क्यों है तू? और घर का काम काज कौन करेगा? आज मुझसे काम नहीं होगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे को बहुत तेज बुखार है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा दवाई वाई ली नहीं? ली नहीं। चल मैं तेरे लिए दवाई लाता हूँ, और घर का काम खाना वाना चल ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं कर लूंगा। ठीक है तू आराम कर। मम्मी अच्छा तुम, अरे मम्मी पापा ना सारा का सारा काम कर रहे हैं, मजा आ गया देख के। कितना काम करती है सही में सरिता, बिना बात पीछे पड़ा रहता हूँ मैं उसके। आज मुझे पता लग रहा है कि घर में काम करना कैसा होता है। आगे से मैं नहीं बोलूँगा सरिता को, और अपना काम मैं खुद करा करूँगा। सरिता अब ठीक है? तो सरिता आज मुझे पता चला कि तुम घर का कितना काम काज करती थी और कितनी मेहनत करती हो। जब मैंने खुद किया ना काम घर का, तब मुझे एहसास हुआ। और आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि घर के सारे काम काज में मैं तुम्हारा हाथ बटाया करूँगा, और घर के छोटे मोटे काम ना मैं खुद ही कर लिया करूँगा। ठीक है तू अब आराम करा।